नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलाहाबाद को पुलिस पकड़ के ले जाती है और पुलिस भी किसके खून में भला, नीलम के खून करने के आरोप में इस समय जेल की सलाखों के पीछे इस समय मीत अलाहाबाद को ले जाती है। हालांकि मीत हुड्डा इस समय बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिरकार हमारे खिलाफ ये इतनी बड़ी साजिश किसने की होगी, क्योंकि सीधा सीधा शक जा रहा है बर्फी देवी पर कि बर्फी देवी मीत अलाहाबाद के परिवार को बहुत बड़ी तरीका से, बहुत गंदी तरीका से तबाह कर देना चाहती हैं। आप लोग जानते ही हैं कि अलाहाबाद परिवार की मुश्किलें इस समय बढ़ चुकी हैं। अलाहाबाद परिवार की अगर मुश्किलों की बात की जाए तो मीत अलाहाबाद के जेल जाने के तुरंत ही बाद में अब घर में सभी को पता लग चुका है कि मीत अलाहाबाद को नीलम के खून में गिरफ्तार किया गया है, और नीलम का खून वैसे नहीं बल्कि बहुत सोची समझी साजिश किसी और की थी, जो कि मीत अलाहाबाद की गाड़ी में उस बॉडी को रखा गया है ताकि किसी भी तरीका से मीत अलाहाबाद इसी केस में फंस जाए। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हालांकि मीत हुड्डा ने पूरी तरीका से आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी, क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा मीत अलाहाबाद के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि नीलम इस समय ख़त्म हो चुकी है और नीलम की बॉडी भी इस समय मीत अलाहाबाद की गाड़ी के अंदर ही है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से सबसे ज़्यादा डिप्रेस जो नज़र आ रही है मीत हुड्डा, कि आखिर ऐसा कौन है जो हमें बार बार फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस समय केस बहुत गंदी तरीका से हुआ है, क्योंकि अगर ये साबित नहीं हो पाया कि किसी और ने नहीं किया खून, अगर मीत अलाहाबाद का नाम पूरी तरीका से रहता है तो मीत अलाहाबाद को कुछ समय जेल में और भी ज़्यादा गुजारने पड़ सकते हैं, और वही चीज़ मीत अलाहाबाद और मीत हुड्डा दोनों के ही दिमाग में बार बार वही चीज़ खनक रही है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।